दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक पेंट्स ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल साफ प्लस सेव। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में बीजेपी भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना स्थल पर बुधवार यानी कि 3 मई की आधी रात में उस समय बवाल हो गया जब पहलवान सोने की तैयारी कर रहे थे। यहां पहलवानों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। पहलवानों ने पुलिस पर हमला करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं आप नेता गोपाल राय ने भी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे पहलवानों के साथ, खास तौर से महिलाओं के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, जिस तरह से मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, जिसकी सारी वीडियो फुटेज सार्वजनिक तौर पर सब जगह आज उपलब्ध है, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और दर्दनाक भी है। क्योंकि जंतर मंतर पे जिस तरह से इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन करने वाले वर्ल्ड चैंपियंस अपनी मांगों को लेकर के पिछले 11 दिनों से गर्मी बरसात में मच्छर न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना बैठे हुए हैं, उनके साथ न्याय करने की जगह सरकार उनके साथ संवाद करती, उनकी समस्याओं का, उनकी मांग का समाधान करती, उसकी जगह जिस तरह से पुलिस को आगे करके रात में उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि वो बहुत ही दुर्भाग्य है, पूर्ण है, बहुत ही दर्दनाक है। आम आदमी पार्टी के आज सभी पार्षद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सबकी एक राय है कि ये घटना कहीं न कहीं इस देश के अंदर किसी भी आवाज को कुचलने के लिए की गई है। उनकी मंशा थी कि खिलाड़ी जंतर मंतर छोड़ करके भाग जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पहले से ही उनकी मांग का समर्थन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। दूसरा, हमने ये निर्णय लिया है कि आम आदमी पार्टी एक आम नागरिक के तौर पे सभी पदाधिकारी इनका सहयोग करेंगे। जो नेतृत्व है आंदोलन का, वो जो आंदोलनकारी पहलवान है वो करेंगे, वो जो फैसला लेंगे, उनको जो सहयोग की जरूरत होगी, हम सब लोग एक भारत का नागरिक होने के नाते उसमें हिस्सेदारी करेंगे, सहयोग करेंगे और हर तरह से उनके साथ हम खड़े रहेंगे। नगर निकाय के पहले मरहले के चुनाव में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर के कन्या प्राइमरी स्कूल में वोट डाला है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिविल सिस्टम को खूबसूरत बनाने के लिए ये इलेक्शन जरूरी है। याद रखिए, वोट देना आपका हक भी है और फर्ज भी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वोट डालने से पहले ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के पहले मरहले के चुनाव में आज 37 जनपदों में मतदान होना है। नगर निकाय चुनाव 2023 शहरी इलाकों के तरक्की और इसकी बुनियादी सहूलियात के साथ ही रियासत के बारे में मुल्क और दुनिया की तासीर को बदलने का एक अहम मौका होगा। मजबूत सोच की डबल इंजन वाली हुकूमत को सपोर्ट करने वाले नगर निकाय के इलेक्शन में अपनी वोटिंग जरूर करें। याद रखिए, वोट देना आपका अधिकार भी है और हक भी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले मरहले में आज सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन के 37 जिलों में वोट डाले गए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने आज सुबह करीब 8 बजे लखनऊ स्थित मॉल एवेन्यू बूथ संख्या 24 पर वोट डाला। वोट डालने के बाद मायावती ने लोगों से वोट करने की अपील भी की और कहा, हमारी पार्टी के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा।
मध्य प्रदेश में बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता जबलपुर में कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दफ्तर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है, जिसके बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की कयादत में आज एक मीटिंग हुई। रांची के कंडरू वाके हज हाउस में मुनक्किद इस मीटिंग में हज कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउल अंसारी के अलावा कमेटी के मेंबरान शामिल हुए। इस साल हज के सफर के लिए झारखंड के आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला 21 मई से शुरू होने वाला है। मीटिंग में आजमीन हज को तमाम तर सहूलियात फरहमी के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने आजमीन हज की फ्लाइट शेड्यूल अब तक जारी नहीं किए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। जो लोग हज में जा रहे हैं उसकी समीक्षा, उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं कि इस बार लगभग 2767 तो लगभग 2700 लोग इस बार जा रहे हैं यहां से झारखंड से, और 2376 लोग जाएंगे रांची से, और 351 जो हमारे हाजी भाई कलकत्ता से वो लोग फ्लाई करेंगे। तो कलकत्ता में तो अच्छा सेटअप है, झारखंड में हमारे यहाँ उतना अच्छा सेटअप नहीं है, और सुविधा हम लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से देना है हम लोगों को, तो उसको लेकर हम लोग तैयारी हम लोग कर लिए हैं लगभग। और खुशी का ही माहौल है इस बार कि पहली बार जो इमिग्रेशन पॉइंट रांची नहीं था, इसको हम लोगों ने छीन के लिया है, और हमारे जो आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और यहीं से फ्लाई करेंगे। तो तैयारी हम लोगों का बहुत व्यापक पैमाने पे चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे सीईओ साहब, हमारे सारे मेंबर, हमारे ऑफिस स्टाफ, ऑफिस बैरियर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको इस काम को अंजाम हम लोग देंगे। मैं आज चिट्ठी लिखा भी हूँ केंद्रीय मंत्री को, आज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैंने उनको कहा है कि जो बातें छन के आ रही है, ये जो हमारे जो फ्लाइट का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था गो एयर से, और गो एयर का दिवालियापन सुनते हैं पेपर में आ गया, तो अगर ऐसा ना हो कि हमारे जितने हाजी लोग पेमेंट कर दिए और अंतिम समय में कहेगा नहीं फ्लाइट ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, तो वैसे में क्या होगा? वैसे में क्या व्यवस्था कर रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया, क्या कर रही है सेंट्रल मिनिस्टर जो है हमारी, वो क्या कर रही है? इन सभी बातों का मैंने चिट्ठी में लिखा है और वार्ता भी मैं करूंगा। लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, हज की तैयारी में से सारा हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार लगभग रांची से लगभग 2400 हज यात्री जाएंगे, और टोटल हज यात्री 2776 जाएंगे, और कुछ हज यात्री जो है कोलकाता से भी जाएंगे। हज के ताल्लुक हम लोग एक विभागीय बैठक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट बिल्डिंग में होगी, वहाँ पर सारे प्रशासनिक अधिकारी, एयरपोर्ट के अधिकारी, वो 8 मई को होगी माननीय मंत्री की अध्यक्षता में। वहाँ पे जो भी हज के ताल्लुक चीज़ें हैं, जो भी सुविधाएं प्रदान करनी है, क्योंकि ये हर एक विभाग से कोऑर्डिनेट करके ये हज का जो ऑपरेशन है ये सफल किया जाता है, तो इस सिलसिले में एक बैठक है, वहीं पे सारे चीज़ की डिस्कस होगी प्रोसीडिंग के आलोक में, और वहाँ जो चीज़ें करनी है और जो उसमें ऐड करनी है, क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं हाजियों को, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, सिक्योरिटी का मामला है, इम्बार्केशन का मामला है, हज को हाजियों को ठहराने का मामला है, ये सारे चीज़ों पे वहाँ पे डिस्कस होगा और एक तय हो जाएगा, और फिर इसको संचालित किया जाएगा। बाद बाकी हज हाउस में सारी सुविधाएँ मुकम्मल तौर पर हो गई है, पानी की जो समस्याएँ थी, बिजली की जो समस्याएं थी, और बाद बाकी जो समस्याएं वो हम लोग बाकी है, पूरा हम लोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत पहुंचने के साथ ही गोवा पहुंचे हैं, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वीडियो के जरिए क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ, टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़े पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेम्बरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। जयपुर अजमेर हाईवे पर टायर फटने से एक टैंकर ऑल्टो कार पर पलट गई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि कार बुरी तरह से दब गई। इस हादसे में 8 अफरादों की मौत हो गई है और 3 अफराद संजीदा तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। कार सवार लोग अजमेर दरगाह जियारत के लिए जा रहे थे। हादसा रामनगर इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। ASI राजेंद्र सिंह ने बताया कि टैंकर का टायर फटते ही वो डिवाइडर तोड़ते हुए ऑल्टो कार पर पलट गई। इस हादसे में 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। वहीं 1 अफराद ने रास्ते में अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि हादसे में टैंकर ने एक मोटरसाइकिल सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया था। दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक पेंट्स ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल साफ प्लस सेफ।